प्लान कुछ ऐसा बनाया भाई, अभी जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल भाई, मैप ने तो बना दिया हमको बेवकूफ, और हम स्विफ्ट से साथ करेंगे ऑफ रोडिंग भाई। मैग्नेटिक हिल पे अपनी गाड़ी आ चुकी है, ये देखो पीछे जा रही है, ये टेस्टिंग लाइन है, यहाँ से होती है मैग्नेटिक हिल स्टार्ट, और ये जो बॉक्सिस है यहाँ तक चलती है गाड़ी। स्पीड पकड़ ली अब तो इसने पूरी तरीके से, तो भाई रास्ते में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई गाड़ी स्पीड में आ गई, एक कर्व रोड वैसे था तो सीधी गाड़ी ऊपर ही चढ़ जाएगी। तो भाई ये आ गए हैं हम संगम पे, अब ये देख रहे हो सामने दो नदियों का संगम हो रहा है, ये वाली जो है ये है जांसकर रिवर और ये है इंडस रिवर। दोस्तों अभी भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं, सामान हमने सारा यहाँ पे रख दिया है, देख लो जितना भी टोटल सामान था सारा लगभग हमने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अभी हम कहीं जा नहीं रहे आज, आज हम सीधा घूमेंगे सिर्फ लोकल, और लोकल घुमाएंगे आपको, और कल जाएंगे फिर तुरतुक वगैरह। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ पे लोकल घूमते हैं, और ये हमने गेस्ट हाउस लिया था, इसी में हम रुके हुए थे, और सारा सामान हमने गैजेट वगैरह सब कुछ चार्ज कर लिया था हमने, सामान लगभग हमने सारा यहाँ पर रख दिया क्योंकि भाई गाड़ी में काफ़ी सारा सामान हो गया था, इसलिए हमने सारा सामान यहाँ पर निकाल के रख दिया है। तो चलिए अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, इधर हो चुके हैं भाई गाड़ी अपनी रेडी, गाड़ी कर लिया कॉल स्टार्ट। और देखो दोस्तों इस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे जब लास्ट टाइम हम आए थे, पिछली बार तो अभी हम इसी गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो नंबर दिखाता हूँ आपको, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके भी आप रूम बुक करवा सकते हो। फिलहाल यहाँ से निकल लिए, देखो गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, पूरी गाड़ी पे दाग लग चुके हैं मिट्टी के, टेंट पे भी मिट्टी लग चुकी है क्योंकि भाई काफ़ी मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए टेंट भी अपना गंदा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं भाई, क्या बोले ना आज का लोकल घूमते हैं, आज ये प्लान है। दो बज चुके हैं सुबह से भाई, अपने गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, अपना एडिट वगैरह करी, वीडियो अपलोड करी, रेस्ट किया पूरा, नहा धो के अब निकले हैं यहाँ से, अब चलते हैं कहीं लोकल घूमते हैं बढ़िया, आपको भी घुमाते हैं और मज लेते हैं ले पे। ये देखो सामान हमने सारा अंदर ही रख दिया है क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया था, अपना लैपटॉप वगैरह हमने ले लिया बस, और गैजेट्स ले लिए, बाकी यहीं पर रख दिया क्योंकि हमको यहीं पे आना था, हमको यहीं पे अपना स्टे करेंगे आज। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, तो प्लान कुछ ऐसा बनाया भाई, अभी जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल, मैप पे तो दिखा रखा है कि 1.5 किलोमीटर ही है यहाँ से, 5 मिनट का रास्ता है, बाकी जाके देखते हैं। तो पहले चलते हैं मैग्नेटिक हिल, उसके बाद आपको लेके चलेंगे संगम, एक आगे जाके संगम मिलती है दो नदियों का, वहाँ पे भी लेके चलेंगे आपको, और इधर से रास्ता जाता है खारदुंगला का, खारदुंगला यहाँ से है 39 किलोमीटर, डिस्ट्रिक्ट 118 लेकिन वो आगे जाके है क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे ना तो हम कश्मीर हो गए वापस जा रहे थे घर पे, तो उस टाइम पे हमने देखा था कि रास्ते में पड़ा था वो, तो आपने अभी पीछे बोर्ड देखा था एक कारगिल की तरफ रास्ता जा रहा है जो श्रीनगर की तरफ, तो इसी के बीच में आता है वो मैग्नेटिक हिल, और मैग्नेटिक हिल के बाद आपको मिलता है वो संगम जो मैं बता रहा था आपको, तो फोन तो पता नहीं क्या ही बता रहा है, मैग्नेटिक हिल यहीं पे बता रहा है, तो सामने का व्यू कुछ ऐसा है। ये देखो दोस्तों मैंने अभी जस्ट ना पन्नी खोली कुछ खाने के निकालने के लिए, और ये देखा मैंने फटा हुआ था जब हम हाई एल्टीट्यूड पे था ना, पान के थोड़ा पीछे उस तरफ फटा था ना कपिल, दो बार कुछ आवाज आई थी फटने की, तो एक तो मिल गया फटा हुआ, दूसरा पता नहीं क्या था, तो एक तो फटा हुआ मिल गया, लास्ट टाइम क्या हुआ हमारी तो दूध की वो जो होती है ना वो ही फट गया था। अभी देखो एकदम टेट्रा पैक और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो मतलब कैसे बिल्कुल फटने को हो रहा है, कितना मोटा हो रखा है पैकेट ये, तो ये एल्टीट्यूड में फट जाते हैं, ये शुक्रमान हमने पन्नी में रख रखा था सारा सामान इसमें गिरा है। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो भाई, धूप काफ़ी तेज हो रखी है, ठंड कम है यहाँ पे, और ये आ गया ये हवाई अड्डा है 500 मीटर पे यहाँ पे, और ये पहाड़ देखो मिट्टी वाले पहाड़ है, और ऊपर की चोटियों पे बर्फ है थोड़ी थोड़ी, खारदुंगला पे तो बर्फ मिलेगी ना कपिल, खारदुंगला पे तो बहुत बर्फ मिलेगी। तो रास्ते में दिख गया भाई संगम रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी खाना खाया था, तो उसका खाना बिल्कुल ठीक था,
तो हम यहाँ पे रुक गए पहले। जो ये सब सामने देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही है, ये जाता है श्रीनगर की ओर, और यहीं से थोड़ा सा आगे जाके 5-10 किलोमीटर होगा मुश्किल से, तो यहाँ से जाके आगे है मैग्नेटिक हिल। चलिए पहले एक बार खाना खा लेते, पेट पूजा कर लेते। 2 बज गए हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक कॉफी पी थी वहाँ पे और कुछ भी नहीं खाया था। फिलहाल खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे मैग्नेटिक हिल। और दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया। तो अभी आपको घुमाऊंगा मैग्नेटिक हिल, उसके बाद संगम लेके चलेंगे और भी काफी सारी चीजें हैं जो आसपास है 20-25 किलोमीटर के आसपास, तो वो सारी चीजें आज देखते हैं घूमेंगे। तो फिलहाल चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं ऐसे आगे। खाना आ चुका भाई, खाने में हमने क्या लिया है, एक थाली ली थी और एक लिया अलग से पराठा। तो थाली में क्या क्या है भाई देख लो, ये प्याज है और दही, ये मिक्स वेज है, ये राजमा जो इनका लोकल होता है, और राइस एंड दाल। तो यहाँ पे लगभग आपको ज़्यादा करना राजमा ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये पहाड़ों में राजमा और चावल, दाल चावल ये ज़्यादा चलते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से खा लेते हैं खाना और फिर निकलते हैं अपना आगे मैग्नेटिक हिल की ओर। फिलहाल भाई खाना खा लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा मैग्नेटिक हिल, दिखाते हैं आपको, मज़ा आ जाएगा। खाना का टेस्ट भाई सही था, लगभग सही था ना कपिल, इस पर खाया था हमने संगम रेस्टोरेंट पर। करते गाड़ी को स्टार्ट और सीधा निकलता मैग्नेटिक हिल पर। भाई ये रास्ते देख रहे हो आप, अपनी स्विफ्ट को लेके जा रहे हैं हम ऊपर, देखो जहाँ पर गाड़ी फंसी हुई है ना, इसको निकाल लेके ले जा रहे हैं स्विफ्ट से, इसको निकालेंगे और अपनी स्विफ्ट से साथ करेंगे जो ऑफ रोडिंग। ये देखो भाई वो सामने रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते से हम नीचे निकाल के लाए अपनी गाड़ी को इस तरफ, और देखते हैं अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ती है या नहीं। चढ़ जाएगी भाई, ओ आराम से, कम थोड़ी है हमारी स्विफ्ट किसी से। देख लो भाई पूरा ऑफ रोड है, कच्चे रास्ते जिसको बोलते हैं ना, और नोकीले पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे, टायर फटने का भी डर रहता है। पूरी मिट्टी उड़ाती जा रही है गाड़ी, पूरी मिट्टी उड़ाती, देखो कहाँ से आ रही है। अब भाई स्विफ्ट के साथ ड्रिफ्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, मजा आ गया ना गाड़ी देख रहे हो बाहर से। चला तो मैं रहा था, मेरे को पता नहीं कैसा मजा आया, कैसा मजा आया, बहुत जबरदस्त वाला है भाई, सब मैं बाहर खड़ा था, मेरे को पता मिट्टी का मजा कैसे आया पूरे मुंह पे भाई, मिट्टी मिट्टी हो गई है लगा लो, और काफी मजा आ गया स्विफ्ट के साथ ऐसा करने में, मजा आता है भाई। शीशा भी नहीं दिख रहा देख लो, बिल्कुल ऐसे बाहर से देखो तो ऐसे लग रहा है मिट्टी कलर की गाड़ी होगी। सामने आ चुका है मैग्नेटिक हिल, ये देखो अभी यहाँ पे भी अपनी गाड़ी टेस्ट करते हैं भाई। मैग्नेटिक हिल पे अपनी गाड़ी आ चुकी है, देखो अपनी गाड़ी खड़ी हुई, इधर बोर्ड लगा मैग्नेटिक हिल का, और गाड़ी की हालत तो आप तक वो दिखाई दी है मैंने, बिल्कुल मिट्टी में हो चुकी है गाड़ी, धुलवानी पड़ेगी यार गाड़ी है ना, अगर खिड़की खोल रहे बंद कर रहे ना तो इतनी तेज मतलब मिट्टी आ रही है अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा। देख लो इधर मैग्नेटिक हिल, हवा तेज चल रही है, मैं देख सकती हूँ ऊपर तक कितनी तेज चल रहा है, पता नहीं आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही होगी भाई, पर फिर भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपनी गाड़ी आ चुकी है मैग्नेटिक हिल पे, देख लो भाई फ्रंट में खड़ी है अपनी गाड़ी, और वहाँ पे होती है टेस्टिंग, यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं अभी, गाड़ी दिखाते हैं टेस्टिंग करते हैं, इधर आप शाम को सामने आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, कैफे मिल जाएंगे जब भी आप खाना वाना खा सकते हो। तो अब बार ये भाई अपनी मैग्नेटिक हिल पे अपनी गाड़ी करते हैं टेस्ट, गाड़ी देखो कहाँ पे खड़ी है, देख रहे हो पीछे बोर्ड आप मैग्नेटिक हिल का, तो मैग्नेटिक हिल पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, और काफी सारे रील्स बनाई, काफी सारे फोटोज खींचे हैं, उसके लिए आपको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, वहाँ पे आपको काफी सारी आपको फोटोज मिलेगी बढ़िया बढ़िया देखने के लिए, बेहतरीन वीडियोज मिलेगी, बढ़िया बढ़िया रील्स मिलेगी देखने के लिए, और भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मस्त मस्त रील मिलेगी आपको देखने के लिए। तो चलिए फिलहाल चलते हैं और अपनी टेस्टिंग करते हैं अभी गाड़ी की। ये भाई देख लो लाइन, टेस्ट लाइन देख रहे हो जो आप, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, और हम करते हैं टेस्ट गाड़ी को, देखो मैंने हैंड ब्रेक नीचे कर दिया है, गियर में नहीं है, ब्रेक पे भी नहीं पै रहा है, देख लो अब देखो ब्रेक से पहले डाल रहा हूँ मैं, ये देखो गाड़ी अब अपना बैक जा रही है, देख लो फिर भी बैक जा रही है, देख रहे हो अब गाड़ी अपना आप ही बैक जा रही है,
बाकी पीछे की तरफ देख रहे हो इस तरफ ऊंचाई है, फिर भी गाड़ी अपना गियर वेयर तो नहीं लगा रखा है, नहीं है भाई देख ले, ये देखो पैर वेयर सब हटा रखे, सब हटा रखे भाई देख ले, ये देखो भाई ब्रेक छोड़ दिए अब जा रही है पीछे, मतलब पता नहीं कुछ है यहाँ पे यार, देखो गाड़ी पीछे जा रही है, देखो अब स्पीड बढ़ रही है पीछे की तरफ ना, वो है मतलब ऊंचाई है पीछे की तरफ तब भी पीछे जा रहेगा जी, ये देखो नहीं मैंने हैंड ब्रेक हटाए हुए है, ब्रेक गियर हटा रखा है, ब्रेक पे पैर नहीं है कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो गाड़ी पीछे जा रही है, कपिल साथ साथ चल रहा है इससे आप समझ सकते हो गाड़ी पीछे जा रही है, बस गियर हटा छोड़ ब्रेक, ये देखो पीछे जा रही है, ये टेस्टिंग लाइन है यहाँ, यहाँ से होती है मैग्नेटिक हील स्टार्ट और ये जो बॉक्सिस है यहाँ तक चलती है गाड़ी, ये देखो अपने आप ही आप जा रही है, उसने कुछ नहीं पकड़ा हुआ, अब स्पीड बढ़ी है, और जाने दे कहाँ तक जा रही है, ये देखो भाई अपने आप ही आप चल रही हो, स्पीड पकड़ ली अब तो इसने पूरी तरीके से, रोक ले रोक ले रोक ले, सामने देख रहे हो आप यहाँ पे आपको मिलेगी एटीवी राइड करने के लिए, यहाँ पे आप एटीवी राइड भी कर सकते हो, और काफी ज्यादा आपको एटीवी राइड कितने की, अरे अपनी गाड़ी एटीवी तो कम थोड़ी है, जो एटीवी वाले करवाऊंगा उतना कर ही लिया, वैसे भी क्या फायदा करने का एटीवी में, क्या भाई ये ऐसे बस ऊपर से घुमा के नीचे ले जाएंगे, वो कपिल ने भाई पहले ही कर लिया पीछे आपने ऑफरोडिंग में देखा होगा, तो एटीवी करने का फायदा थोड़ी है कुछ, बाकी यहाँ पे चलते हैं अभी आगे, अगर आपको कुछ खाना वाना खाना तो यहाँ पे खा सकते हो भाई, यहाँ पे आपको काफी सारे कैफे मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे सामने देख रहे हो ना आप, और काफी सारी मतलब यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह खिंचवाने के लिए मिल जाएगी, और कुछ आर्ट्स का सामान मिल जाएगा सामने आप दुकान देख सकते हो, चलिए फिलहाल अभी चलते हैं, अब कहाँ चलना भाई, चल चलते हैं कहीं, संगम चलना है ना, चलना संगम चले पीछे है, हाँ संगम पीछे की तरफ है, तो करते हैं अपनी गाड़ी को यू टर्न मारते हैं और चलते हैं संगम की ओर, मैग्नेटिक हिल से जब आप लगभग श्रीनगर की तरफ जाओगे तो मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर के बाद आपको संगम दिख जाएगी, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मेरे नीचे अभी दिख रही है गाड़ी, पहले नीचे लेकर चलते हैं उसके बाद दिखाऊंगा आपको, जैसे पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं जिससे गाड़ी नीचे जाती है, गाड़ी नीचे जाती है और पॉइंट, तो भाई रास्ते में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई गाड़ी स्पीड में आ गई, एक कर्व रोड वैसे था तो सीधी गाड़ी ऊपर ही चढ़ जाएगी, देखिए बीच की लाइन में बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं यार, तो फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई संगम पे, और भाई सामने का नज़ारा आप देख सकते हो, दोनों आप देख रहे हो दो नदियों का संगम हो रहा है, कौन सी नदियों का संगम हो रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई धूप यहाँ पे ना बहुत तेज लगती है, आप देख रहे हो ना फोन में इतनी तेज धूप लगती है यहाँ पे, बिल्कुल आँख फोड़ देती है धूप, तो भाई ये आ गए हैं हम संगम पे, आप ये देख रहे हो सामने दो नदियों का संगम हो रहा है, ये वाली जो है ये है जांस्कर रिवर और ये है इंडस रिवर, ये जांस्कर की तरफ से आ रही है, और यहाँ पे आपको राफ्टिंग भी करने के लिए मिल जाएगी, देखो जैसे कि आप यहाँ पे राफ्टिंग भी कर सकते हो, कर भी रहे हैं, और यहाँ पे आपको राफ्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे, यहीं से आप बुकिंग करवा सकते हो अपनी राफ्टिंग के लिए, और ये कैंपर जो देख रहे हो आप ये आपको लेके जाएंगे जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है, ये लगभग 16 किलोमीटर की मे बी राफ्टिंग होती है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो ना उस तरफ से आते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है भाई राफ्टिंग करने में भी, जांस्कर नदी का जो पानी है वो आप देख सकते हो थोड़ा मिट्टी वाला पानी है, और इधर इंडस जो रिवर है इसका बिल्कुल क्लीन पानी है, बिल्कुल हरा नीला पानी आप देख सकते हो सामने दिख रहा होगा आपको, तो एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, और दोस्तों ये मैग्नेटिक हिल से लगभग 3-4 किलोमीटर पड़ता नीचे आगे, आप मैग्नेटिक हिल से जब नीचे आओगे 1 किलोमीटर बाद आपको संगम श्रीनगर की तरफ जाओगे, हाँ मतलब श्रीनगर की तरफ जाएंगे जब, तो आपको 1 किलोमीटर बाद ये संगम दिख जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे श्रीनगर की तरफ, तो ये आपको मतलब प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि हम देखो बिल्कुल रिवर के नीचे खड़े हुए हैं, बढ़िया अपने फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो, कुछ इस तरीके का वेदर अभी यहाँ पे है, ये जांस्कर वाला रास्ता वही रास्ता है जो जहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक तो पांग होके हम ले आ सकते हैं और एक जांस्कर होके ले आते हैं, तो जांस्कर वाला जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब रास्ता बताते हैं, वैसे तो पांग वाला रास्ता भी बहुत ख़राब है बट जांस्कर वाला रास्ता है वो ज़्यादा ख़राब बताया जाता है, हम कभी गए तो नहीं है भाई, जाएंगे जब वो भी बता देंगे आपको कभी, और यहाँ पर BRO काम करती है, चलिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, चलिए भाइयों आपको संगम भी दिखा दिया दोनों नदियों का, इंडस और जांस्कर रिवर का, और जांस्कर रिवर में राफ्टिंग भी होती है जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट है, तो राफ्टिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो जो राफ्टिंग का शौकीन है,